हम आप आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनसे हमें कुछ नहीं है। परम आदरणीय श्री ऑस्को फर्नांडिस जी, मंत्री भारत सरकार, श्री राहुल जी, भूतपूर्व मंत्री व सांसद माझी जी, कृष्णा तीरथ जी, श्री डीसी भार्गव जी, दुबे जी, श्री सीताराम शर्मा जी, रामदास जी, मोहंती जी, शंकर निमेश जी, श्रीमती दीपा सिंगल जी, वो यहाँ सभी एकत्रित साथी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आज जब आपने ये सेमिनार किया तो हमें आपके बीच में आपने बुलाया। आज के दिन जब भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है, जीडीपी ग्रोथ अच्छे रफ्तार के साथ आगे बढ़ा है और आज जब दुनिया की नज़र हिंदुस्तान पे लगी हुई है तो निस्संदेह अगर हम उसका सभी चीज़ों का जिक्र करते हैं तो उस पर एक समीक्षा भी करें। आज के दिन जब हम तरक्की की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसके चार पहलू या फोर इनपुट्स हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, मटेरियल्स है, कैपिटल है और मैन पावर है। इन चारों का मिश्रण के साथ ही हम वो रास्ता, वो रोड मैप तय कर सकते हैं जिसके हिसाब से हमें आगे और बढ़ना है। और जब हम कहते हैं कि एक सस्टेनेबल बेसिस पे 10% ग्रोथ रेट लेके जाना है तो उनके लिए इन चारों के मिश्रण की जरूरत है। कितना भी देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस क्यों ना खुल गए हों जगह जगह, लेकिन आज भी वो मैन पावर की उसके हिसाब से कमी है और उसकी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, उसको बहुत बड़ा, उसमें एक जो कमी है उसको पूरी करने के लिए कोई इस बात में संदेह नहीं कि डिप्लोमा इंजीनियर्स का अपना ही एक रोल रहा है। जिक्र हुआ है और उस बात को आप अहम समझते हैं, वो बात मुझे विश्वास है कि आपने जब अपना रिप्रेजेंटेशन दी एक मिशन को, वहाँ इस बात पे आपने जरूर पूरे बल के साथ कहा होगा और मुझे कोई शक नहीं कि वहाँ उस बात पे गौर किया जाएगा। इसी बात के लिए एक मिशन बनाए जाते हैं कि लोगों की जरूरत है सब काम एकदम, ये मेरा अधिकार भी नहीं और बात बनती भी नहीं कि जो बात मैं आपकी ठीक समझूँ कहूँ कि हाँ ये ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो तरीका हम लोगों ने अपनाया हुआ है देश का एक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, उसमें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के नाम पे अलग अलग जगह सुनवाई ठीक होनी चाहिए और उसके बाद जिन लोगों को वो जिम्मेदारी दी गई है उसको, वो मैं समझता हूँ उसमें कोई दो राय नहीं, तो उसको पूरी तरह से गौर करके उस बात पे करेंगे। कई जगह से, अलग अलग सर्विसेज से ये बात हमारे सामने आती रही है कि एक पे कमीशन के बाद दूसरे पे कमीशन तक कोई ना कोई अनोमलीज रह जाती है और अगला पे कमीशन जब तक बनता है वो अनोमलीज कई बार उनका समाधान नहीं किया जाता और बाद में कहा यह जाता है हमारी तरफ से कि ये अगला पे कमीशन होगा वो अनोमलीज पे ध्यान करेगा, लेकिन वहाँ वो शायद अनोमलीज नज़रअंदाज हो जाती हैं और जो पहला फैसला हुआ उसी को एक बुनियाद बना के आगे कर लेते हैं और वो आगे बाद जो एक समझते हैं कि किसी के साथ एक गैर इंसाफी हुई वो आगे बढ़ती रहती है और जाना ही मुझे तो ये सुनने को अलग अलग जगह मिलता है। और इसीलिए हमारी ये आशा है, हम सोचते हैं कि ये काम इस बार पे कमीशन विस्तार के साथ इन बातों पर देख के अपनी राय देगा, सभी से बात करते हैं और उसके बाद फिर सही पहले सरकार का रोल इसमें आ जाता है। आप महसूस करते हैं कि क्योंकि एंट्री पॉइंट दसवीं रखा है तो वहाँ समझ लेते हैं कि दसवीं वाले क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी वो सैलरी का जो पे स्ट्रक्चर है बना दिया, जबकि आप कहते हैं कि बारहवीं प्लस टू या बीए करने के बाद ही आप लोगों ने वहाँ दाखिला लिया होता है, तो ये आपके साथ क्यों? ये मैं समझता हूँ कि वाकया क्या है उस बात को देख के, जैसे ऑस्कर साहब ने कहा था एक बात देखने की सिर्फ हमें इसमें ज़रूरत है। मान लीजिए अब उसके लिए क्या है, मैं ये सिर्फ आई एम डूइंग ओनली अ लिटिल बिट ऑफ लाउड थिंकिंग बिफोर यू ऑन दैट मैटर। एक कोई सच, एक लड़का ब्राइट है, अच्छा पढ़ने लिखने वाला है और अच्छा कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके हालात नहीं इस हिसाब से कि वो दसवीं के ज़्यादा पढ़ सकता है। अगर शायद उसको दसवीं के बाद स्कूल छोड़ना पड़ता है, क्या
वो बाद में कैसे करेगा अगर वो चाहता है कि उसने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है। एक दिमाग में एकदम बात आई, उसका जिक्र मामूली सा करना चाहा। उसके लिए हमारे कोशिशें हैं, मेरे पास वित्त मंत्रालय में बैंकिंग है, वहाँ से हम उस बात पर जोर दे रहे हैं कि कोई भी काबिल इंसान लड़का, कोई भी लड़का या लड़की देश की, अगर सिर्फ रास्ते में परिवार की जो आर्थिक व्यवस्था है वो हालात, माली हालात अच्छी नहीं, सिर्फ वो रास्ते में नहीं आनी चाहिए और उनको बैंक्स के जरिए लोन मिल जाना चाहिए जिसका वो निपटारा बाद में करें, वो बात है। लेकिन ये बातों को मामूली सा देखना होगा कि हमें क्वालिफिकेशन, जैसे आप कहते हैं वो बात तो बात है आपकी तरफ से, लेकिन उनके लिए क्या किया जाए ये बात सोचने की जरूरत है। और इस बात में तो मैं बिल्कुल आपके साथ मुत्तफिक हूँ कि जब कुछ समय के बाद आपने एक अनुभव हासिल कर लिया होता है, एक तजुर्बा आपको मिला होता है, तो क्यों एक, जैसे खान साहब ने भी यहाँ कहा था कि वह एक वो ब्रिज कोर्स की तरह जो आदमी अपग्रेड करना चाहता है अपना स्किल और स्किल अपग्रेडेशन तो सबसे ज्यादा जरूरी बात है। अगर देश ने आगे बढ़ना है, कहीं भी तरक्की किसी भी क्षेत्र में करनी है, एक कंटिन्यूइंग बेसिस पे स्किल अपग्रेडेशन होते रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं को ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है उसी में उलझे रहें, आप लोग कर सकते हैं, वो सिर्फ जरूरत है उसके लिए। तो ये बात सही कही थी कि लेटरल एंट्री भी होनी चाहिए आगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में। क्यों हम पुराने वही माइंडसेट के साथ लगे रहें कि सिर्फ ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग बीई वही कर सकते हैं जिन्होंने दाखला पहले उसमें लिया, जिन्होंने तजर्बा किया, बीच में तीन साल छोड़ के, तीन साल तो नहीं हो सकते उसके लिए, एक साल दो साल जितना भी ठीक समझें, समय समय के साथ आके, और वो भी लगातार मैं समझता हूँ जरूरी नहीं, कुछ महीने आके वहाँ पढ़ें, फिर उसके बाद जिसको कहते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम हो जाना चाहिए, क्रेडिट्स के सिस्टम जो होता है, कितने कितने क्रेडिट हासिल किए, जब वो क्रेडिट का नंबर पूरा हो जाए जो बीई वाला है तो उनको बीई वाला डिग्री क्यों नहीं मिल जानी चाहिए, उनको वो वापस क्यों नहीं मिलना चाहिए। आपने जिक्र किया है मुश्किलें आपकी आती नहीं है, स्टैग्नेशन है, और मैं मानता हूँ ये बात कि जब सर्विस में स्टैग्नेशन होगी तो उसमें एक उत्साह नहीं रह सकता इंसान में काम करने का। इसके लिए जरूरी है कि किसी भी सर्विस में स्टैग्नेशन तो नहीं होनी चाहिए, कुछ समय के बाद आगे बढ़ाना चाहिए, बशर्ते कि आदमी के बेयर मिनिमम क्वालिटी उससे आगे बढ़े। ये नहीं कि आदमी ने बिल्कुल नकारा हो, किसी ने काम नहीं करना, हम उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन एक मिनिमम सी चीज के साथ उनको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब वो काम में लगे हैं, ये तो मानना है कि वो आगे अपना काम हिसाब से कर रहे हैं, तो नहीं तो नौकरी में भी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए उनको एक मौका मिलना चाहिए उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का, सिर्फ क्योंकि किसी भी हालात में सैलरी, उनकी फीस ज्यादा है, दाखिले नहीं ले सकते, परिवार के माँ बाप के माली हालात ऐसे थे उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, उनके कारण वो जिंदगी भर सफर करते रहे, सहते रहे, एक इनइक्वालिटी, वो ये नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस पोजीशन में तो नहीं कि इससे ज्यादा किस चीज का जिक्र करूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ ऑस्कर की हमारे सीनियर लीडर हैं, ये तो बात तो सही मैंने में फैसला जो बात किसी ढंग से होती है उसमें है कि हर वक्त लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी बात को समझ पाते हैं, उनका दर्द क्या है उसको समझ पाते हैं, किसी वक्त जाके उनके पास देखिए उस हिसाब से लोगों के बीच में लगे रहते हैं, जो उन्होंने भी कोई बात कह दी तो मतलब होता है कि एक उस पर गौर गहराई के साथ उस पर किया जाएगा। ये